हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अर्चना क्लासेस। जैसा कि आपने देखा था कि हम प्रॉफिट और लॉस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रॉफिट की दो क्लासेस कर चुके हैं, उसमें हमने प्रॉफिट और लॉस के कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। उन्हीं क्लासेस को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो द क्वेश्चन सेज, अ मैन बायस पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 for rupees 5 एंड सेल्स एट 5 for rupees 6। तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। फाइंड इज परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए और हमें सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, वो हम लिख लेते हैं। सो यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे यूनिटरी मेथड से। यहाँ पर 6 पेंसिल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 5 rupees के। तो एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस होगा 5/6। हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर चुके हैं। जो कॉस्ट प्राइस है 1 pencil का वो है 5/6। अब हमें एक पेंसिल का ही सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 pencil का सेलिंग प्राइस। 5 pencils का सेलिंग प्राइस है 6 rupees। एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर लेंगे, वो होगा 6/5। तो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस है 6/5। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसी फॉर्मूले में हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की वैल्यूज पुट कर देंगे और हम परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। सो वैल्यूज आर 6/5 माइनस 5/6 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 5/6 इनटू 100। अब आपको एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना है। 5 और 6 का एलसीएम होता है 30 और यहाँ होगा 36 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5/6 इनटू 100। 36 और 25 का डिफरेंस 11/30 इनटू 6/5 इनटू 100। आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिला 11 × 2 × 2 दैट इज 44%। तो इस कंडीशन में जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो है 44%। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे लास्ट जो क्वेश्चन किया था ये उसी के जैसा है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 11 lemons का और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10 lemons का। तो हम एक lemon का कॉस्ट प्राइस और एक lemon का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करें। तो एक lemon का कॉस्ट प्राइस होगा 10/11 और एक lemon का सेलिंग प्राइस होगा 11/10। यहाँ से आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो इस कंडीशन में हमें क्या होगा प्रॉफिट, और परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम जानते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब हमें सिंपली इनकी वैल्यूज यहां पुट करनी है। वैल्यूज हैं 11/10 माइनस 10/11 डिवाइडेड बाय 10/11 इनटू 100। अब सिर्फ हमें इनकी कैलकुलेशन करनी है। एलसीएम निकालना है डिवाइडेड बाय 10/11 इनटू 100। 21 डिवाइडेड बाय 110 इनटू 11/10 इनटू 100। आप यहां से देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है वो है 21%। ऐसे क्वेश्चंस में हम एक ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस और एक ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं और वहां से हम इजीली परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस फाइंड आउट करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर बायस सम लेमन्स एट द रेट ऑफ 2 for rupees 1 एंड सेम नंबर ऑफ लेमन्स एट 1 for rupees 2। इस क्वेश्चन में वो कुछ लेमन्स खरीदता है एक प्राइस पर और बाकी के जो लेमन्स हैं सेम अमाउंट में वो लेमन्स खरीदता है अलग कॉस्ट प्राइस पर, और जो सेलिंग प्राइस है वो सभी लेमन्स का सेम, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है वो हाफ लेमन्स का अलग है और बाकी के जो बचे हुए रिमेनिंग लेमन्स हैं उनका कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में हम किस तरह से लेकर चलते हैं। हम यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी, यहाँ हम लिखेंगे प्राइस, यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ क्वांटिटी हुई 2 और प्राइस हुआ 1। सेम नंबर ऑफ लेमन्स एट 1 for rupees 2, लेकिन बेचा है 3 lemons को 3 rupees में। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो सेम नहीं है। यहाँ पर जो क्वांटिटी है 2 है, यहाँ पर क्वांटिटी 1 है, तो क्वांटिटी इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो प्राइस है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ हमें मिल जाएगा 2 और प्राइस हो जाएगा 4। सो अब आप देख सकते हैं कि 4 lemon का 2 + 2 4 lemons का कॉस्ट प्राइस है 1 + 4 दैट इज 5 और 1 lemon का कॉस्ट प्राइस होगा
5/4। तो यहाँ से हमने लेमन का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लिया है 5/4, और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस है एक लेमन का 1 rupees 3/3, 1। यहाँ से हम पहले हम देखेंगे कि हमें लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, तो इस कंडीशन में हमें लॉस हो रहा है। परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इन 200। ये वैल्यूज है 5/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5/4 इन 200। 5/4 को 5/4 माइनस 1 होता है 1/4, यहाँ हमें मिलेगा 1/5 इन 200, दैट इज 20%। तो इस कंडीशन में हमें 20% का लॉस हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिफरेंट कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम कॉमन कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे एक लेमन का, और सेलिंग प्राइस जो हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे, और वहां से हम परसेंटेज लॉस या परसेंटेज गेन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन बाइज 12 आर्टिकल्स फॉर ₹12। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस होगा 12/12, दैट इज ₹1, और जो सेलिंग प्राइस है वो है 1.25 पर आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 1.25। अब यहाँ सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से हम परसेंटेज गेन फाइंड आउट कर, परसेंटेज गेन होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इन 200। सब वैल्यूज आपको पता है, तो आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, 25/100 इन 200 इज इक्वल टू 25%। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, By selling 33 meter of cloth, a shopkeeper incurs loss equivalent to cost price of 11 meter. Cloth है 33 meter का cloth जब हम बेचते हैं तो उस condition में जो loss होगा वो equal होगा 11 meter के cloth के cost price. तो पहले हम 33 meter cloth का जो loss है, 33 meter cloth को बेचने पर जो loss होगा वो लिख लेते हैं। वो loss होगा 33 cost price minus 33 selling price. अब ये जो loss है वो इक्वल है 11 मीटर क्लोथ के कॉस्ट प्राइस के। अब यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो हमें मिल रहा है 22 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 33 सेलिंग प्राइस। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखेंगे, ये होगा 33 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू 3/2। सो हियर यू कैन सी कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, तो आपको लॉस होगा, और परसेंटेज लॉस होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस दैट इज 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इन 200, और ये होता है 33 1/3%। Now moving to the next question. If a man estimates his loss as 20% of the selling price, हम लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पर फाइंड आउट करते हैं, बट यहाँ पर जो लॉस परसेंटेज है वो सेलिंग प्राइस पर दिया हुआ है, और हमें लॉस परसेंटेज निकालना है कॉस्ट प्राइस पर, एक्चुअल लॉस परसेंटेज वही होगा। सो क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर दिया हुआ है वो होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इन 200। ये वैल्यू है 20 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस माइनस 1। ये जो 100 है हम यहाँ ले जाते हैं, और 20/100 होगा 1/5। यहाँ से कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया है 6/5। यहाँ से हम एक्चुअल लॉस परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्चुअल लॉस परसेंट हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट प्राइस पर। तो जो एक्चुअल लॉस परसेंटेज है वो होगा 6-5 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज 6 इन 200। ये हुआ 16 2/3%। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एवरीवन।